उम्र हो गई है, स्क्वाड से इतने साल बाहर था, अब क्या ही कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थलापति विजय की फिल्म द गोट के 10 दिनों के टोटल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 के 31 दिनों के कलेक्शन। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म तुम्बाड़ के भी 2 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे जूनियर NTR की फिल्म देवरा के टोटल वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही इनमें से आपकी पसंद की फिल्म कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म देवरा के बारे में, तो शिवा कोटला के डायरेक्शन में बन रही फिल्म देवरा, जिसमें हमें जूनियर NTR के साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर देखने को मिलेंगे। बताते चलें कि देवरा फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होगी और इस फिल्म को रिलीज होने में अब काफी कम समय बचा है। ऐसे में फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वे विदेशों में काफी खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। जी हां दोस्तों, बता दें कि फिल्म के इंडिया में एडवांस बुकिंग अभी ओपन नहीं हुई, लेकिन विदेशों में पूरी तरह धमाल मचाया हुआ है। अगर बात करें देवरा फिल्म के अभी तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए $1.55 मिलियन की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो कि इंडियन रुपीज में 13 करोड़ रुपए होता है। वहीं फिल्म ने अपने पहले वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग $2 मिलियन कर ली है, जो कि लगभग 16 करोड़ और 70 लाख रुपए होता है। जी हां दोस्तों, फिल्म ने रिलीज से पहले सिर्फ ओवरसीज एडवांस बुकिंग में ही 16 करोड़ और 70 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। अब देखना यही होगा कि जब यह फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होगी तो अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ले पाती है, 150 करोड़ या उससे ज्यादा। वहीं दोस्तों, अब बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की हॉरर फिल्म तुम्बाड़ के बारे में। दोस्तों, हम शाह की फिल्म तुम्बाड़ ने तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका मचा दिया। दोस्तों, यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और उस वक्त इस फिल्म की ओपनिंग सिर्फ 50 लाख रुपए थी, लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म ने दोबारा रिलीज होकर पहले दिन ओपनिंग अपने ओरिजिनल कलेक्शन से लगभग 4 गुना कर ली है। जी हां दोस्तों, जिससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि ऑडियंस इस फिल्म को कितना पसंद करती है, जिस वजह से दोबारा भी फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन तो दमदार थे, वहीं दूसरे दिन की कलेक्शन में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें फिल्म तुम्बाड़ के 2 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया 1 करोड़ और 62 लाख रुपए का कलेक्शन किया। बात करें दूसरे दिन यानी आज की, तो आज भी यह फिल्म इंडिया से 2 करोड़ और 50 लाख रुपए का कुल कलेक्शन करने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो 4 करोड़ और 12 लाख रुपए, वहीं ग्रोस कलेक्शन होता है 5 करोड़ और 40 लाख रुपए का। दोस्तों, अब कल संडे है तो इस फिल्म के कलेक्शन में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अब बात करें इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के बारे में, तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में हमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी देखने को मिले थे। बताते चलें कि फिल्म ने सिनेमाघरों में 1 महीना कंप्लीट कर लिया और इस वक्त यह फिल्म अपने 5वें हफ्ते में एंट्री कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म के जो 5वें वीकेंड के कलेक्शन है वो भी पूरी तरह से हैरान करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि इस हफ्ते जितनी भी बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है उन सभी के कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज्यादा कमाई स्त्री 2 ने अपने 5वें हफ्ते में कर रही है, जिसे देखकर एक बात तो क्लियर हो गई कि आने वाले दिनों में यह फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड पूरी तरह से चकनाचूर कर देगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें फिल्म स्त्री 2 के 31 दिनों के टोटल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 307 करोड़ और 80 लाख रुपए का इंडिया नेट किया था। वहीं फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 145 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए, तीसरे हफ्ते में 72 करोड़ और 83 लाख रुपए का कुल कलेक्शन रहा, चौथे हफ्ते में फिल्म ने 37 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं बात करें 5वें हफ्ते यानी 30वें दिन की, तो 30वें दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ और 48 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं आज 31वें दिन भी यह फिल्म इंडिया से 5 करोड़ और 50 लाख रुपए का कुल कलेक्शन करने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म स्त्री 2 का 31 दिनों का जो टोटल इंडिया नेट होता है वो 573 करोड़ और 16 लाख रुपए का, वहीं इंडिया ग्रोस कलेक्शन होता है 676 करोड़ और 32 लाख रुपए। वहीं बात करें फिल्म के टोटल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो वो 811 करोड़ और 80 लाख रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म ने 31 दिनों में दुनिया भर से 811 करोड़ और 80 लाख रुपए की कमाई कर ली है और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। वहीं दोस्तों, अब बात करें थलापति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट के बारे में, तो वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म में हमें थलापति विजय और प्रभु देवा देखने को मिले हैं। बताते चलें कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक ओपनिंग ली थी, वहीं 4 दिनों के वीकेंड में भी कलेक्शन अच्छे आए थे, लेकिन वीकडेज में इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला।
लेकिन दूसरे वीकेंड में इस फिल्म के कलेक्शन में फिर से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करें फिल्म के 10 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिनों में 188.56 करोड़ रुपए का इंडिया नेट किया था। वहीं 9वें दिन फिल्म ने 6.75 करोड़ रुपए कमाए। बात करें 10वें दिन की, तो आज भी यह फिल्म इंडिया से 8.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने जा रही है, जिसके कारण इस फिल्म का जो टोटल इंडिया नेट है वो 203.81 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होता है 241.52 करोड़ रुपए का। बताते चले कि फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है अभी तक वो 378.24 करोड़ रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 10 दिनों में दुनिया भर से 378 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। अब देखना यही होगा कि यह फिल्म 400 करोड़ रुपए से ज्यादा अपना लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक ले जा पाती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।